नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा टंडन, गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम थोड़ी बहुत बातें इनफर्टिलिटी और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बातें करेंगे। जब एक कपल प्लान करता है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो जाए और नहीं होती प्रेग्नेंट, तो उसे क्या करना चाहिए, उन्हें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस पर थोड़ी हम बातें करेंगे। और आज का वीडियो खास कर जब पुरुष कारण हो जाता है इनफर्टिलिटी, उसके ऊपर है। आम करके देखा जाता है कि 80-90% कपल्स, जो महिला हैं, वो एक साल के अंदर अंदर जब भी कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते तो वो प्रेग्नेंट रह जाती है। लेकिन 10-15% ऐसे कपल्स हैं जो कोशिश करने के बावजूद भी वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। तो यही डेफिनेशन इनफर्टिलिटी का है। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत कैसे होती है। महिला के अंदर बीज हर महीने ओवरी से निकलता है और जब इंटरकोर्स करते हैं तो सीमेन के अंदर शुक्राणु रहते हैं, जो या स्पर्म्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, मोटाइल होते हैं और वो उनके शरीर में आगे चल के ऊपर जाते हैं यूट्रस के द्वारा फेलोपियन ट्यूब में, वो एग को फर्टिलाइज करती है। वहाँ वो एम्ब्रियो जो तैयार होता है फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे 4-5 दिन रहता है और फिर वापस यूट्रस में आके, गर्भाशय में आके अटैच होता है और प्रेगनेंसी वहाँ से स्टार्ट होती है। यह मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसके क्या कारण हैं? ये देखा गया है कि 40-50% पुरुष में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं रहती है। इसलिए पुरुष को चेकअप करना, पुरुष का सीमेन एनालिसिस करना एक बहुत सीधा टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जो जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके शुक्राणु, उसके स्पर्म्स कितने हैं सीमेन एनालिसिस में। तो ये बड़ा एक सिंपल टेस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि कितने शुक्राणु होने चाहिए, द सीमेन एनालिसिस जो होता है, तकरीबन पूरा वॉल्यूम जो उसका तो होता है 1-4 ml तक होता है, उसमें 15 मिलियन स्पर्म्स पर ml में होने चाहिए और उसमें 40% यानी 40% स्पर्म्स एक्टिवली मोटाइल होने चाहिए और नॉर्मल स्पर्म्स 4% होने चाहिए। ये मोटे हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब जब सीमेन एनालिसिस में यह नहीं पाया जाता तो क्या कारण है? या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं हो, शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं हो यानी कि एब्सेंट हो, तो उसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। या तो बिल्कुल नहीं होंगे या कम होंगे, और कम है तो कितने सीवियरिटी से कम है, कितने ज़्यादा, या फिर 1 मिलियन है या 10 मिलियन है, उस पर उसका आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो पहले हम देखते हैं कि एजोस्पर्मिया यानी बिल्कुल शुक्राणु सीमेन में नहीं होना का क्या कारण हो सकता है। तो ये स्पर्म्स टेस्टिस में प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होती है और फिर यहाँ से फिर वो एपिडिमिस के द्वारा और फिर पूरे डक्ट में जाके फिर वो बाहर निकलते हैं। अब जब शुक्राणु नहीं होते हैं तो उसके दो मुख्य कारण हैं, या तो टेस्टिस में वो बनते ही नहीं हैं जिसको हम टेस्टिकुलर फेलियर कहते हैं, या फिर उसका जो डक्ट होता है वो ब्लॉक्ड होता है। टेस्टिस में बनते हैं लेकिन वो डक्ट ब्लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं आते हैं। तो इस दो कारण में पता करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से बिल्कुल स्पर्म्स सीमेन में नहीं पाए गए हैं। तो जब बिल्कुल नहीं बनते हैं टेस्टिस में, उसको हम टेस्टिक्यूलर फेलियर कहते हैं। टेस्टिक्यूलर फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं? या तो ये जेनेटिक हो सकता है, यानी पैदाइश ही वो टेस्टिस जो होती है उस
बच्चे में नीचे नहीं आई, स्क्रोटल सैक में नहीं आई है, या बचपन में उसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि मम्स या ऑर्काइटिस हुआ हो, जिसकी वजह से वो टेस्टिस बिल्कुल ख़राब हो गई हो, या उसमें कभी चोट आई हो, इसकी वजह से वो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और वो तैयार नहीं होते हैं, या कभी हो सकता है कि वो टॉर्शन यानी कि वो ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि उसे रक्तस्राव नहीं मिलता टेस्टिस को और वो टेस्टिस बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये कारण होता है जेनेटिक या एक्वायर्ड कारण की वजह से एजोस्पर्मिया होता है। दूसरा कारण होता है कि जो डक्ट होता है जो वहाँ से निकलता है जिसकी वजह से वो स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं, वो डक्ट ब्लॉक्ड हो, और ये ब्लॉकेज भी जेनेटिक हो सकता है, शुरुआत से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन द्वारा किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाए और इसलिए शुक्राणु बाहर नहीं आते हैं। तो जब हम ऐसे टेस्ट जब भी करते हैं तो हमें वो सीमेन में बिल्कुल एक भी शुक्राणु नहीं मिलता। अभी इसका जो ट्रीटमेंट है उसे हम बाद में बताएंगे। दूसरा रीज़न होता है या दूसरी जो बात हम करेंगे, जब भी शुक्राणु बहुत कम हो, या जिस जैसे मैं नॉर्मल बोला 15 मिलियन पर ml होने चाहिए, जब इसे कम हो तो ये इसको हम जब कम होते हैं या उसकी मोटिलिटी कम हो या फिर भी बहुत एबनॉर्मल फॉर्म्स हो, मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही एबनॉर्मल फॉर्म्स हो, यानी कि किसके दो हेड होते हैं या टेल खराब होता है, तो उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो यही कारण भी है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है, और इसको हम कहते हैं ओलिगोटेरेटोएस्टेनोस्पर्मिया। अब अगर हम देखें कि अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो, जैसे कि 1 मिलियन पर ml हो या 0.8 मिलियन पर ml हो, तो इसको ज़्यादा करके दवाइयों से नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अगर बॉर्डरलाइन कम हो, जैसे कि 10 मिलियन या 12 मिलियन पर ml हो, और मोटिलिटी उसकी थोड़ी बहुत कम हो, जैसे कि 30% हो, या फिर ज़्यादा मोटाइल स्पर्म्स नहीं हो, तो इसको दोनों है जो दोनों जो कंडीशन होती है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है उस कपल के लिए। ऐसे देखा गया है कि जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं कि या जो ज़्यादा टाइम ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर्स हैं, क्योंकि उनको उनके जो टेम्परेचर होता है, या तो कोई बहुत सारे टाइट कपड़े पहनते हों तो उनका जो टेम्परेचर होता है स्क्रोटल सैक के अराउंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या तो जो बहुत अहम बात है वो आजकल जो लाइफस्टाइल की वजह से भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। खास करके हम देखते हैं कि जो बहुत स्मोकिंग करते हैं या ओबेस हैं, बहुत मोटे हैं, या डाइट बराबर नहीं फॉलो करते हैं, या डायबिटीज़ है, या बहुत सारा लैपटॉप लेके काम किया जाता है, तो इन पुरुषों में भी पाया गया है कि स्पर्म काउंट कम है। तो ये अगर वह कपल, वह पुरुष ये इस चीज़ को ध्यान देवे और इस चीज़ को दुरुस्त कर लेवे, इस चीज़ को करेक्ट कर लेवे, या मोटापा कम कर लेवे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कर लेवे, डायबिटीज़ कंट्रोल में करें, लाइफस्टाइल जरा अपना ठीक तरह से सुधार लें, एक्सरसाइज कर लें, डाइट कंट्रोल करें, तो ये स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है। और कोई दवाइयाँ भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो दे के ये स्पर्म काउंट थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और हमारे अगले फ्यू वीडियोस के लिए आप प्लीज़ विज़िट करिएगा।